नमस्कार, आप देख रहे हैं दहार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए एंगल सामने आ रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे क्या किसी मास्टरमाइंड का हाथ है? इस सवाल को लेकर के बहस इस समय तेज है। सवाल कई सारे हैं, जैसे कि डॉक्टर की मौत को सुसाइड बता करके आखिर लीपा पोती की कोशिश क्यों की गई? जिस जगह ये वारदात हुई वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की गई? सेमिनार हॉल का रेनोवेशन आखिर इस समय क्या जरूरी था? इन तमाम सवालों के बीच सवाल ये भी है कि संजय रॉय आखिर अकेले इतनी जघन्य वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है? ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जितने जख्म दिए गए, उसे जिस बेरहमी से मारा पीटा गया, वो एक शख्स आखिर कैसे कर सकता है? तो क्या फिर इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल है? अगर हाँ, तो बाकियों की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लग रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब शक की जो सुई है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ घूम रही है। आज लगातार चौथे दिन भी उससे पूछताछ की जा रही है। अब सीबीआई को शक यहां पर यह है कि संदीप घोष कई राज जानता है लेकिन सच नहीं उगल रहा। इधर सीबीआई की जांच पर टीएमसी से सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच का स्टेटस बार बार सरकार मांग रही है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई 5 दिन से जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई और गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। अब बीजेपी सीधे ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता वहां की सीएम है, गृह मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो फिर सीधी जिम्मेदारी किसकी हुई? ममता बनर्जी की हुई, इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये बीजेपी की मांग है। अब केस की जो तफ्तीश है उसके दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मसलन मृत ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। आखिर क्यों? उन पन्नों पर आखिर क्या था ऐसा जिसे गायब किया गया? एक एंगल मानव अंग तस्करी का भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर को इस बारे में सब कुछ पता था और इसलिए उसे रास्ते से हटाने की जरूरत पड़ी, तो इस जघन्य वारदात को जो है अंजाम देना पड़ा। अब सीबीआई कड़ी की कड़ी जोड़ रही है। सीबीआई को कई सवालों के जवाब अभी देने हैं। दहाड़ में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि सियासी बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ हो रही है। ममता बनर्जी है जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी। ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर, जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? तो अब आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि कोलकाता केस में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब हो गई? दूसरा सवाल, क्या कोई राज छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ हुई? तीसरा अहम सवाल है, पीड़िता की डायरी के पन्ने किसने और आखिर क्यों गायब किए? चौथा सवाल, क्या संजय रॉय ने किसी से के इशारे पर ये मर्डर किया, ये जघन्य अपराध किया? पांचवा और अहम सवाल कि सीबीआई के बहाने क्या केंद्र को घेरना चाहती है टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी कम से कम यही कह रही है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करवा दें। माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ, अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ेंगे, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार इस समय है, साथ ही डॉक्टर निशा खन्ना मनोचिकित्सक भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे इस शो का हिस्सा रहेंगी। सबसे पहले माधवी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जाहिर है इस पे पॉलिटिक्स होती है, सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आपसे भी पूछे गए, लेकिन आज इस मामले को जिस तरीके से रखा जा रहा है, ये मामला देशव्यापी एक मामला है, ये सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो ऐसा लगता है आपको कि इसमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए? और आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जिनकी खुद की सरकार है, जो खुद वहां पर होम मिनिस्टर है, जो वहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद धरने पर बैठ गई है, किसके खिलाफ बैठी है, खुद के खिलाफ बैठी है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की यहाँ पे पूरी स्थिति बन रही है वो ये बताता है कि इतने भीभत्स हत्या के बाद में जो ये राज्य सरकार है इस पर राजनीति करने से कहीं पे भी बाज नहीं आ रही।
शुरुआत से अगर इसके पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो जो पहली जो शुरुआत है जहां पर पेरेंट को कॉल गया था वहां से ही राजनीति शुरू हो गई थी। अगर उससे थोड़ा पहले जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन था, जो स्वास्थ्य विभाग था, वो बार बार डॉक्टर संदीप घोष को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके सरकार उसकी नियुक्ति कर रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि ममता बनर्जी यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस मंत्री है। तो देखिए, उनको रोका जा रहा था, बार बार दूसरी जगह से वापस उसको नियुक्त कर दिया जा रहा था। और उसके बाद जब चार दिन के दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया भी, तो उन्होंने उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये तो घटनाक्रम आप देख लिए कि यहाँ पे राजनीति का कितना बड़ा हस्तक्षेप है। सेकंड में अगर हम आते तो उसमें ये आता है कि भाई जब यहाँ पर ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और पहली जब कॉल जाता है उनके पेरेंट के पास में, तो वो बोला जाता है कि ये सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने, ये उनके पेरेंट का कहना है। लेकिन इसके बावजूद जो है नोटिस जो है जो लोग दूसरे कह रहे हैं उनके पास जा रहा है सरकार का। एक और बात है कि अगर इसके बाद जब उसकी फैमिली आती है तो 3 घंटे वहां पे रोका जाता है, 4 घंटे रोका जाता है, उनको दिखाने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में जब ये अपने आप से जब वो बताते हैं कि जो जिस तरीके की बॉडी की पोजिशन थी वो किस तरीके की स्थिति थी, कि कितनी विभत्सकारी स्थिति थी, कि उसका जो है वो सही तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद में जब ये जो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है तो वहां पर ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन ही बगल में ही जो कमरा है वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू कर देती है सरकार। अब आप सोचिए कि जहां इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसकी निंदा पूरे देश में, जिसके कारण पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसके ठीक बगल में रेनोवेशन भी शुरू कर दिया जाता है और 2 दिन बाद वहां पर जो है रात को आके हजारों लोग आकर वहां पर घटना स्थल पर तोड़फोड़ कर देते हैं। ममता बनर्जी आके बोलती हैं, देखिए आप, ममता बनर्जी आकर बोलती हैं कि राम बाम फॉर एचीएटा। आप जरा सोचिए कि राम बाम कहने का मतलब क्या है। आपने राम शब्द को जो है राजनीति के साथ जोड़ते हुए इतने बड़े घटनाक्रम के साथ, इतने विवस्त्र अपराध के साथ में आपने राम का शब्द कहा, तो पहली तो राजनीति वहीं से शुरू कर दी। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जो कि कोर्ट को हमेशा टीएमसी की सरकार में करना ही पड़ता है, इनको बार बार आके चांटा लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये हाई कोर्ट ने आके जब इनको समझाया और मतलब बीच में आके हस्तक्षेप किया और उसके बाद में ये पूरा केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, जो ममता बनर्जी नहीं चाहती थी, तो ममता बनर्जी रैली निकालती है और अपनी ही सरकार में प्रोटेस्ट करती है कि जो है अपराधी को सजा होनी चाहिए। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है पूरा देश देख रहा है। तो ये आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है माधवी जी, इसमें किसकी संलिप्तता नजर आ रही है? क्योंकि केस को जिस तरीके से मोल किया गया, फटाफट पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, कहा गया पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने कहा उन्होंने साफ कहा था उस समय कि अकेले किसी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, फिर भी जल्द से जल्द जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई फैमिली को, वो ये दी गई कि सुसाइड का मामला है। मैं पूरी बात बता रही थी, वही मैं कह रही थी कि ये शुरुआत से ही इस पे जो है इन्होंने कोशिश की। देखिए, ये जो अपराध हुआ है ये इतनी सुरक्षित जगह पर हुआ है, आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसी वजह से जो है इसको ढक पाने में राज्य सरकार और प्रशासन असक्षम थी। अदरवाइज अगर ये किसी आउटस्कट में होता या किसी दूसरी जगह पर होता तो आज इसकी चर्चा शायद हम कर ही नहीं रहे। ये बड़ी बात है कि एक घटना, ये जो घटना है एक डॉक्टर लड़की के साथ हो जाती है और उसके बाद ये संज्ञान में आती है, लेकिन इस तरीके की कितनी घटनाएं घटित हो जा रही है। संदेश काली को भी इन्होंने पूरी तरीके से राजनीति का जो है अमलीजामा पहना दिया, और इनके जो सहयोगी दल है आज देखिए कि जो बाकी जो दल है वो कहीं भी आकर मुखर होकर इस विषय पे बोलना ही नहीं चाह रहे। तो ये राजनीति का जो है संलिप्तता इसमें पूरी तरीके से। आपका ये सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरह का ढोंग, इस तरह का ड्रामा क्यों? आप जरा मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी की खुद की सरकारें खुद वो धरने पर बैठ जाती है, ऐसा हमने सिर्फ 2 ही स्टेट में देखा है, या तो हमने दिल्ली में देखा है या हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। आपकी सरकार कर क्या रही है? सीबीआई से आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल आपसे पूछना चाहिए कि इतना कुछ हो गया, प्रिंसिपल को आखिर कौन बचा रहा है? सर, क्या वजह है कि 2 बार उस व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, आदेश वापस ले लिए जाते हैं? शिखा जी, देखिए, आपका सवाल जायज है और जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसके लिए भी हमें बहुत दुख है कि बेटी के संग में, बहन के संग में जो हुआ बहुत ही गलत करा उन लोगों ने, उन अपराधियों को सजा मिलेगी। पर अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि दीदी ने राम नाम का शब्द जोड़ करके राजनीति शुरू कर दी। अरे भाई, राम नाम का शब्द तो आप लोग हर जगह यूज करते हैं, आप पहले अपने लिए तो देखें। आप हर जगह राजनीति करते हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं हर चीज के अंदर? मध्य प्रदेश में आज हुआ रेप, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? हाथरस कांड हुआ था, तब आपके दिल में कोई जगह नहीं जागी थी कि रातों रात उसे बॉडी को जला दिया गया था, तब आप शांत बैठे हुए थे। आज आप बड़ा ढोंग कर रहे हैं सड़कों पर आकर के, क्यों? हाथरस कांड आप भूल गए क्या? रातों रात बॉडी को जला दिया गया था, परिवार के संग को नहीं मिलने दिया? आप बाद में बोलिएगा
आप भाजपा के प्रवक्ता मैडम, आप मैं कह रहा हूँ मेरे बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए, मैंने आपकी बात कायदे से सुनी है, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही। आप लोग भूल जाते हैं कई चीजों को, अपने अपने यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उत्तराखंड में होता है, अंकिता भंडारी के लिए, अंकिता भंडारी के संघ में होता है, तब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। क्या न्याय मिला आज तक अंकिता भंडारी को? अरे सुमित जी, सुमित जी, यहाँ सुमित जी, यहाँ यहाँ मामला ये नहीं है कि किस राज्य में क्या हुआ, किस राज्य में क्या हुआ। आज जब आप, आपकी सरकार जब सवालों के घेरे में आई है तो आप इसमें आंसरेबल नहीं है। आप हाथरस की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में आखिर अगर अगर पूर्व प्रिंसिपल की संलिप्तता है तो उसे बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर आखिर दीदी की सरकार इतने दबाव में सुमित जी क्यों है कि वो दो बार प्रिंसिपल के ट्रांसफर को बदलना पड़ा, और जैसे ही सीबीआई को ये केस ट्रांसफर होता है वैसे ही उसे इस्तीफा ले लिया जाता है, ऐसा क्यों है? किस दबाव में हो आप लोग? शेखा जी देखिए, हम लोग किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दीदी खुद चाहती थी कि अगर हम लोग नहीं कर पाए तो सीबीआई को हम देंगे केस, तो अभी भी आप कह रहे हैं अगर सीबीआई के संग में खड़े हो जाते हैं तो आप लोग कहते हैं सीबीआई के संग में कि खड़े राजनीति कर रहे हैं, सीबीआई के संग ना खड़े हो, आप कहते हैं दीदी नाटक कर रही है, कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप नहीं, तो ये जो धरना प्रदर्शन, ये जो धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही थी सुमित जी, वो किसके खिलाफ कर रही थी? मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, ममता बनर्जी जो सड़कों पर उतर करके धरना कर रही थी वो किसके खिलाफ था, क्या चाह रही थी वो? दीदी का अभी भी साफ संदेश है कि जिस तरीके से राजनीति कर रही है भाजपा के लोग करना चाहते हैं, अभी आप देखिएगा जांच पूरी होने दीजिए, इसके अंदर भाजपा के लोग ही लिप्त मिलेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि भाजपा के लोग ही इसमें शामिल होंगे, आप देखिएगा, थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है सुमित जी, उसमें तो आपके पार्षदों का नाम आया है, जो तोड़फोड़ हुई है उसमें तो आपके पार्षदों का नाम आया, कहा जा रहा है पूर्व पार्षद थे उसमें, जिनके सीसीटीवी में जिनके चेहरे नजर आए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है सुमित जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि हर मामले पर राजनीति करनी जरूरी है क्या? आंदोलन छेड़ती है, प्रियंका गांधी पहुंचती है, राहुल गांधी पहुंचते हैं, तमाम तरह के ट्वीट्स होते हैं, इस बार क्या हुआ कांग्रेस को? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अलायंस में आप लड़ते रहे, लोकसभा चुनाव में उनका हाथ आपके साथ रहा, तो उनके हाथ साथ होने से आप महिलाओं के हो रहे अपमान, महिलाओं के खिलाफ जो जगह अपराध हो रहा है उसको मतलब आप भूल जाएंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में अगर हमको तृणमूल कांग्रेस को कुछ सहयोग करना था, अगर हम लोग वो काम कर लेते तो आज अधीर चौधरी जी लोकसभा में होते। तो हमने राजनीतिक सौदा नहीं किया, हम पश्चिम बंगाल में, हमारा CWC मेंबर और भूतपूर्व लोकसभा का विपक्ष का नेता हमेशा, चाहे संदेश खाली हो चाहे कोई भी घटना हो, हमेशा हम लोग पश्चिम बंगाल में लड़ाई की। और हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ अधीरदा का बातचीत हुई, अधीरदा को बोला आप पश्चिम बंगाल में आंदोलन करो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी और राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल आने भी वाले हैं, वो बातचीत हुई। तो बात यह है पश्चिम बंगाल में आरजीकर में जो घटना घटी, उस घटना में कहीं ना कहीं लोगों का जो जनमत है, उस जनमत के माध्यम से जो निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप छुपाने के लिए सीधा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार सोच रहे लोग। ये एक गंभीर आरोप है, संविधान के सर्वोच्च पद में रहते हुए अगर ममता दीदी के खिलाफ इस तरह का आरोप आए तो सबसे पहले मैं, CBI बहुत पारदर्शी संगठन है और मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आया, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आया। मैं सबसे पहले CBI से हाथ जोड़ के विनती करूंगा। मैडम एक मिनट, आप सवाल के तौर पर लीजिएगा, आप दो एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे पहला, जैसे ही उस लड़की के साथ ये घटना होती है, परिवार को सूचित किया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से कि ये आत्महत्या है, रेप नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जब ये कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि ये गंभीर सवाल ममता बनर्जी सरकार पर लगाया जा रहा है, गलत सूचना दी गई, किसने दी गलत सूचना? तो मैं तो उसी को बोल रहा हूं मैडम, मैं ये कह रहा हूं
सीबीआई एक पारदर्शी संगठन है, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल के जनता के सामने रखे। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा गैस चेंबर नहीं है। यहाँ सबको बोलने का आज़ादी है। यहाँ चाहे पश्चिम बंगाल में हो, कुछ हाथरस में हो और कहीं पर भी हो, राजस्थान में भी हो, सबको बोलने का आज़ादी है। लेकिन माधुवी जी को मणिपुर में कुछ बोलने का आजादी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये आजादी है, इसलिए तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब जा रहे हैं? आपने कहा कि जाने का जो समय है वो मुकर्रर कर लिया गया है, कब पहुंच रहे हैं? मैंने आपको शुरुआत में कह दिया। देखिए राहुल गांधी कब जाएंगे, राहुल गांधी से बात हुआ, वहां खड़गे जी भी जाने वाले हैं, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, ये खबर अखबार में आ चुका है। बीजेपी शासित राज्य होती तो आप अब तक पहुंच चुके होते सर। यहाँ ना आपके पॉलिटिक्स की है, यहाँ बात महिला की सुरक्षा की है। मैडम आपका बात मैं समझ चुका हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ जो वहाँ सभी नेतृत्व तो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेंगे। कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, हमने ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से देखा है। हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव था उन्हें कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे वोट बैंक की राजनीति होती है, ये ममता बनर्जी जानती है। इस मामले में क्या हुआ है, जब उनके ऊपर बात आई तो सब कुछ पलट सा क्यों गया है? राकेश जी देखिए, दो चीजें अलग अलग है शिखा जी। पहली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का अभी तक का रिकॉर्ड देखिए तो वहां रिकॉर्ड ये है कि वफादारी करो और प्रमोशन पाओ। 2019 में शारदा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार जी का नाम आया, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे। उनको जब सीबीआई गिरफ्तार करने गई तो यही मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी, आप सबको याद होगा। उसके बाद फिर राजीव कुमार जी को क्या किया गया, चुनाव के टाइम पे बाहर हुए, आज वो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, प्रमोशन मिला वफादारी का। दूसरा संदीप घोष जी हैं, संदीप घोष जी को हटा के दूसरी जगह प्रमोट कर दिया गया, उनको पनिश नहीं किया गया। आपने एक बड़ा सुंदर सवाल ये उठाया कि आखिर आत्महत्या की सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है। उसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि सूचना देने वाले व्यक्ति को ये कहने के लिए किसने प्रेरित किया, तो उससे आपका लिंक अप पूरा जुड़ेगा। फिर आप अभी हमारे टीएमसी के माननीय नेता बोल रहे थे कि वो सीबीआई को देना चाह रही थी, सीबीआई को देना चाह रही थी तो पहले ही घोषणा कर देना चाहिए। फिर हाई कोर्ट का इंतजार क्यों किया गया? अब वहां का तीन विषय मैं आपको बताता हूं। पहला, 2000 आपका बीरभूम में बोगतुई एक जगह है, वहां 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने के बाद वहां टीएमसी के एक नेता को बचाने का प्रयास किया गया, मामला सीबीआई के हाथ में गया। संदेश खाली में भी सबको पता है किसको बचाने का प्रयास किया गया, मामला सीबीआई के हाथ में गया। तो आप कोलकाता में डॉक्टर बेटी के मामले को ममता बनर्जी और उनकी सरकार में बैठे हुए उनके लोगों को संदेह से बाहर कैसे कर सकते हैं? तो पॉलिटिक्स की जहां तक बात है तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स यही है, या तो हमारे साथ रहो और नहीं रहोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ये आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए तो उसके चुनाव के बाद वहां कितनी मारपीट हुई, ये सबके सामने है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद की स्थितियां भी आप देखिए और अब लोकसभा चुनाव के बाद का देखिए, वहां सीधे सीधे लेफ्ट से भी खतरनाक स्थितियां इस समय पर पश्चिम बंगाल में हैं और वो पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए वो मार्च कर रही हैं और राम बाम का नारा दे रही हैं। अच्छा सुमित जी, आपके ही सहयोगी होंगे ना शांतनु सेन, उन्होंने सवाल खड़ा किया तो आपने उन्हें प्रवक्ता, आपकी पार्टी जो है प्रवक्ता से उन्हें हटा दिया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपके खुद के नेता जो सवाल इस जघन्य अपराध पर उठा रहे हैं, आप उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करके नोटिस भेज देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब है आप किसी को बचा रहे हैं? शिखा जी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बचाने का काम नहीं हो रहा है, किसी को नहीं बचाया जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीबीआई के पास केस है, हम खुद चाहते हैं। अब जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है तो जल्द से जल्द सीबीआई, सुमित जी मैं हटाने का पूछ रही हूँ, हटाया क्यों? मेरी बात सुनो, शांतनु सिंह को क्यों हटाया? कुणाल घोष, शांतनु सिंह या
कुणाल घोष कोई नहीं है, सब लोग अभी जिस तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, पार्टी ने जितने निर्णय लिया है वो कुछ सोचा होगा, जितने हटा दिया, इसमें क्या परेशानी है। पर अभी हमारे राकेश जी एक बात कह रहे थे, चिटफंड घोटाले के आरोपियों को प्रमोशन मिलता है, तो इन्हें मालूम हो ना प्रमोशन के लिए शुभेंदु अधिकारी को क्या प्रमोशन मिला? चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं, भाजपा ने क्या बनाया उन्हें? आरोपियों की बात ना करें। और आपने कहा अभी संदेश खाली में जो हुआ, संदेश खाली की महिलाओं ने खुद कहा था वहां पे कि हम लोगों से फर्जी साइन करा करके भाजपा ने राजनीति करी है, वहां पे भी जवाब मिल गया लोकसभा में, लोकसभा में जवाब दिया ना जनता ने। अभी अगर ऐसा ही होता तो जवाब टीएमसी को मिलता, पर भाजपा को मिला इस बार भी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर थोड़े दिन आप रुकिए, हो सकता है सीबीआई कुछ जो इस समय चल रहा है, सर वो तो सीबीआई जांच कर रही है, वो तो निकल करके आई गई। सबसे गंभीर सवाल राकेश जी यहाँ पर ये है, मिस इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से दी गई, ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई। माधवी जी, हाँ मेरा सवाल बस इतना सा है कि सारी चीजें जो हो रही है वो किसके अंडर में हो रही है, और फिर जब सुमित जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि सारी चीजें निकल कर सामने आएगी, वो तो आएगी, सीबीआई जांच कर रही है। माधवी जी, हम बचा किसी को नहीं रहे, शिखा जी हम बचा किसी को नहीं रहे, हम चार दीदी खुद कह चुकी है, अभिषेक बनर्जी खुद कह चुके हैं हम किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे, वो ट्वीट उन्होंने खुद करा है किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे, जो आरोप लग रहे हैं पार्टी के ऊपर उन्हें निराधार है ये। आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं, माधवी जी से सवाल का जवाब ले रही हूँ। माधवी जी का एक शब्द, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आता है मणिपुर के ऊपर, आज तक नहीं गए, चुनाव संपन्न हो गए लोकसभा, आज तक नहीं गए मणिपुर, क्यों नहीं गए? बंगाल में रहिए ना, मणिपुर बाद में जाइएगा, वहाँ पे सिविल वॉर चलता है। क्यों मणिपुर, मणिपुर आज भी मणिपुर में, मणिपुर में जो हुआ माँ बहन बेटियों के संग में, माधवी जी आप एक महिला है, माधवी जी आज आप बंगाल के लिए बोल रही है, बंगाल के लिए बोल रही है, मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोल रही है? मणिपुर के ऊपर भी तो बोलिए, इनको बड़ा ऑब्जेक्शन है कि दूसरा आदमी इनके बीच में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ये लगातार बोलिए, मणिपुर के ऊपर भी बोलिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है माधवी जी, आप सुमित जी के सवाल का जवाब दीजिए, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप बंगाल के मुद्दे को बड़ा उत्तेजित होकर के उठा रही हैं, बात तो मणिपुर की भी है ना, लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर ये है मैम, और सुमित जी आपसे भी, यहाँ सियासत का रंग देना क्या जरूरी है? इसमें जरूरी नहीं है कि महिलाओं का सम्मान हो, उसकी सुरक्षा की बात हो। माधवी जी जी, बात ऐसी है कि आप इनका जो इन्होंने जो बयान दिया है ना कि इसमें भाजपा के लोग निकल के आएंगे, तो जरा इसको याद रखिएगा और इसको संरक्षित रखिएगा, बाद में ये काम आएगा जो इन्होंने बोला है। राजनीति की बात है भाई, आपने तो क्राउन पहना ना, कि कोलकाता फिर ये बोल रहे हैं आप लोगों ने क्राउन पहना हुआ है ना, ममता बनर्जी को क्राउन पहनाया है कि इंडिया सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी जो है वो कोलकाता है, तो भाई जब क्राइम होगा तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? दूसरी बात रही बात राजनीति की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में जो डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो धरने पर बैठे हुए हैं, कल जो इतना प्रदर्शन हुआ जिसपे इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, उसके बाद भी लोग प्रदर्शन करने से नहीं रुक रहे थे, तो क्या वो जो नॉर्मल व्यक्ति लोग हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जो आम जनता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है वो राजनीति कर रही है, वो भाजपा के लोग हैं क्या? अगर आप लोगों से कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो क्या वो भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं जो भी एंकर पूछते हैं? देखिए पूरी तरीके से फेलियर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें जो है ये पूरा संरक्षण सरकार की तरफ से एक विशेष व्यक्ति को दिया गया। रही बात अभी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही है और जो विसरा रिपोर्ट आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो निर्मम हत्या की तरफ जो है वो बता रही है, वो अंदेशा जता रही है, साथ ही साथ जो लड़की की जो स्थिति थी वो कई लोगों की बताती है, कि मैं नहीं बोली, कई लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं जिनको आप लोग समन भेज रहे हैं कि इसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में राजनीति करने वाला कौन है मुझे आप बताइए? एक अपराधी मानसिकता के व्यक्ति को निर्विरोध आप लोग हॉस्पिटल में आने जाने दे रहे हैं, वहां पे किसी तरीके का कोई मतलब एक कह सकते हैं कि कोई
बैरिकेड्स नहीं है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, वो व्यक्ति ऑलरेडी अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारता था। आपके संदीप घोष डॉक्टर जिनको आप लोगों ने प्रिंसिपल बनाया था, अपनी पत्नी को लात मार चुके पेट में और घर में बंद कर दिया था, पड़ोसियों ने आके छुड़ाया था। तो इस तरीके की मानसिकता के लोगों के साथ में जब कोई जगह घिरी रहेगी तो वहां पे लड़कियां कहां से सुरक्षित। अबू जी मैं तो चाहती हूं कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले में राजनीति हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं। बीजेपी हल्ला बोल रही है अबू जी, तो उसके खिलाफ राजनीति मत कीजिए। इस समय तो आपको बंगाल में पहुंचकर अब तक राजनीति की शुरुआत कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर बीजेपी, मैंने पहले भी आपसे कहा, बीजेपी शासित राज्यों में हमने देखा आप सदन हो, सदन के बाहर हो, चुनावी मुद्दे हो, उसमें मणिपुर का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। लेकिन इस बार जब इस समय वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पूरी दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, सर आपकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और छोड़ दिया गया, बस मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी को जोड़िए मत, क्योंकि हमको गांधी जी का भी ध्यान रखना पड़ता है, नेहरू जी का भी ध्यान रखना पड़ता है, और हमारा तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा एक लेगेसी है, हम वो हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम ये सब राजनीति नहीं करते हैं, एक सेकुलर राजनीति करते हैं। तो दोनों पार्टी को बराबर मत लाइए। आपने सवाल पूछा है जो पश्चिम बंगाल में, ये मेरे पास मेडिकल सेल का, वेस्ट बंगाल प्रदेश मेडिकल जो सेल है लगातार आंदोलन कर रहा है। तापस विश्वास है और सब्यसाची, डॉक्टर सब्यसाची चैटर्जी, ये बंदा रोज आंदोलन कर रहा है, रोज आंदोलन कर रहा है। एक तो ये पश्चिम बंगाल में अधीरता का नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वहां युवा कांग्रेस भी आंदोलन कर रहा है। और पश्चिम बंगाल के, मैं एक चीज आपको बता दू, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, ये जो दो क्लब है फुटबॉल क्लब जी, ये कभी भी, इसका दोनों का ही 100 साल के ऊपर इतिहास है, ये कभी भी एक नहीं हुए, कभी भी नहीं। ये मतलब 90 मिनट्स मोहन बगान और ईस्ट बंगाल अलग ही रहते हैं। ये पहली बार है जो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों एक साथ आकर कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। तो कांग्रेस पार्टी भी यही कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, कांग्रेस कर रही है, प्रियंका और राहुल कर रहे हैं। जी कोई रिएक्शन देंगे आप? देखिए यहाँ तो आपके लिए जगह जगह विरोध हो रहा है, सबसे बड़ी बात सुमित जी, माफ कीजिएगा सुमित जी, जगह जगह आपको लेकर के विरोध हो रहा है। आज देखिए अभी अभी हमने ब्रेकिंग आपको दिखाई दी है, तो किस तरीके से आपके सरकार के खिलाफ जो वहां की जनता है वो भी उतर रही है। अब इट्स अ हाई टाइम, ये बहुत जरूरी हो गया है सुमित जी कि आप लोग जो हैं वो अब एक्शन लें, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ना घुसें, सिर्फ चुनावी माहौल को ना परखें, सिर्फ ये काम ना करें कि सीएनआरसी से क्या हो सकता है, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या हो सकता है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए शिखा जी, हम आप कह रही हैं कि राजनीति ना करें, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद चाहते हैं कि जो आरोपी है उसके पूरे उसको सजा मिले, सख्त से सख्त, और जो जिस बेटी के संग हुआ था उसे न्याय मिले। सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब सर, माफ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आप ये तो कह रहे हैं, ये तो मैं आपके पूरे कॉन्वर्सेशन में अब तक सुन रही हूँ, लेकिन जैसे ही पुलिस, ये बताया गया है सर कि पुलिस से कहा गया कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दीजिए, किसने कहा, क्यों बताया गया पेरेंट्स को, उसके परिवार, उस लड़की के परिवार वालों को, कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है? रेप और मर्डर को आप आत्महत्या कहते हैं? और जब आप यहाँ डिबेट में बैठते हैं सुमित जी, आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, किसके खिलाफ जांच हो? शिखा जी मुझे आप एक बात बताइए कि राजनीति, आप कह रहे हैं हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वो होती है कि जो हाथरस में हुआ था, रातों रात उस बेटी को जला दिया गया था, उसके परिवार वालों ने उसकी बॉडी मांगी थी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उन लोगों ने ये कांड करा था। अगर आपको लगता कि बंगाल के अंदर हम लोग राजनीति करते तो उसकी बॉडी को जैसे उन्होंने करा था तो हम लोग भी कर सकते, पर हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें ही मालूम है दुख क्या होता है किसी के घर का, जब बेटा या बेटी जाती है इस तरीके से उसके संग में हुआ है, तो हमें भी दुख है, ऐसा नहीं है दीदी को दुख नहीं है, पर भाजपा के लोग राजनीति करने पे उतारू हैं, करने दीजिए। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी, तभी तो चार दिन से पूर्व प्रिंसिपल को ग्रिल कर रही है सीबीआई, सीबीआई ग्रिल कर रही है सर, कुछ तो है आखिर। वो पूर्व प्रिंसिपल उस कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल, उसके दो ट्रांसफर को रोक दिया जाता है, ये तो सरकार के इंटरप्शन से होता है, होता है या नहीं होता है सुमित जी, आप बताइए, ट्रांसफर्स पोस्टिंग कैसे होती है, रुकता है या नहीं रुकता है?
ट्रांसफर और पोस्टिंग तो आप ऐसे कह रहे हैं कि केवल एक पश्चिम बंगाल में ही चीजें, यही प्रॉब्लम है सुमित जी। मैं एक पत्रकार होते हुए सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ यहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ हो रहा है, फिर ममता बनर्जी निकल के कह देती है कि लड़की हो सकता है। शिखा जी देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस तरीके से उस बेटी के संग में हुआ है वो कहीं किसी और बेटी के संग में ना हो। कानून बना करके केंद्र सरकार लेकर क्या है, कड़ा कानून लेकर क्या है। आज मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हो रहा है, देहरादून में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, तो ये जगहों पे जो हो रहा है ये रुकना चाहिए। जो रेप होते हैं वो चीज रुकनी चाहिए। क्यों नहीं कड़े कानून लेकर के आ रहे हैं, क्यों नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्यों राजनीति हो रही है, ये नहीं होने चाहिए सर। सुमित जी माफ कीजिएगा, मैं बाकी प्रवक्ताओं को मौका नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आपके सवाल इतने ज्यादा इंट्रीगिंग है। ऐसा था तो ममता बनर्जी बना लेती कानून, उत्तर प्रदेश में तो बन रहा है, योगी आदित्यनाथ ने तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लिया। ये तो मुख्यमंत्री का काम होता है ना सर, राज्य का सारा ठीक रहा केंद्र सरकार पर फोड़ दीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मांग कर रहा है अपना, कई कानून ऐसे हैं 2022 के अंदर ये लोग इन्होंने इंप्लीमेंट कराने की बात करी थी, आज तक नहीं बना है। पूछिए ना भाजपा के प्रवक्ता से क्यों नहीं। मैं पूछ लेती हूँ, मैं माधवी जी आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब सुमित जी जो पूछ रहे हैं ये मेरा काम नहीं है सर, मैं उनसे पूछ लूंगी। डॉक्टर निशा लगातार बनी हुई है, सुमित जी जरा उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर निशा, मैं अब आपसे यहाँ पे क्या पूछूं, क्योंकि जितनी इस पूरे मामले के तह तक जाया जा रहा है एक नई नई बात सामने आ रही है, रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, कभी चार लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अब इस तरह के केसेस में डॉक्टर निशा क्या होता है, अपराधी का माइंडसेट क्या होता है? देखिए, अगर अपराधी ने जो अपराध किए, इतना ब्रूटल रेप का ये केस है और इसमें मर्डर भी ब्रूटली किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए पावर और कंट्रोल चाहता था अपराधी, चाहे वो एक था या बहुत सारे अपराधी थे। देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और मैनेजमेंट बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली पूरी तरह से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और कहीं ना कहीं अगर इस जिस भी इंसान ने यह हरकत की है, अगर वो एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, तो सबको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के बारे में कहीं ना कहीं ये पूरा प्लानिंग से किया गया है। अब उस बच्ची को कुछ पता था इस केस के बारे में, कुछ चीजों के बारे में, या स्पेशली सिर्फ उसके उसके साथ जबरदस्ती की गई, वो तो जांच में ही पता लगेगा। और फैक्ट्स और फिगर्स जितने भी अभी तक इकट्ठे हुए, मुझे लग रहा है सच को छुपाया जा रहा है, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक ये अपने आप में क्वेश्चन रहेगा। और CBI की जांच और निष्पक्ष जांच की हम सब उम्मीद करते हैं, और साथ में मैं यही कहूंगी कि अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो इसके हकदार है। हाँ, डेफिनेटली जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने फैमिली मेंबर्स को दी या आसपास जब भी दी है वो गलत है। अपराधी जिसने भी ये किया है, यही मानसिक हालत की बात पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और जब बात किसी महिला पर आती है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो अपनी पॉलिटिक्स खेलती है, लेकिन सवाल यहाँ महिला का होता है। मैं और आप भी महिला है और इस दर्द को और दुख को समझ सकते हैं, साथ ही उस परिवार के दुख को भी समझ सकते हैं। माधवी जी, अभी सुमित जी ने कई अहम सवाल आपसे पूछे, उनकी तरफ से कहा गया है कि भैया कानून बना दीजिए ना, आपको दिक्कत क्या हो रहा है, बनाइए कानून, आप तो केंद्र लेवल पर हैं, आप केंद्र लेवल पर रहकर के कानून बनाइए। हाँ जी, बात ऐसी है कि कानून जो है वो कानून है, बहुत सारे सशक्त कानून है, और लगातार केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सजगता से नए कानून और पिछले कानूनों पे जो है जो इम्प्लीमेंट और प्रावधान करने की पूरी कोशिश कर रही है, चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारे नए कानून आ रहे हैं, जैसे FIR को लेकर अभी कानून आया, जैसे माइनर के साथ में अगर रेप किया जाएगा तो किस तरीके से सजा, ये सारी चीजों पर जो है रह रहे। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ कि अगर आप अपने अपने जो आपकी जो व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, जिनकी जिम्मेदार आप हैं, उस पर अगर आप लोग ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे कितना भी सशक्त कानून देश में बन जाए, अगर इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा तो वो कानून निष्क्रिय साबित होंगे, और यही देखिए सामने सामने दिख रहा है ये।